ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं या तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या तो आप लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी डीलिंग करते हैं, तो आज की ये जो वीडियो है वो आप लोग को बहुत यहाँ पे हेल्प कर सकता है। एंड आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। एंड यहाँ पे हम लोग जो है टैक्स को लेके बात करने वाले हैं। एंड मेरे चैनल के ऊपर जो है पहला वीडियो जो है हम लोगों ने टैक्स के ऊपर दिया था, जहाँ पे जो है 30% टैक्स एंड जो है 1% जो है TDS आपको जो है एक्सचेंज के ऊपर जो है स्पॉट ट्रेड के ऊपर यहाँ पे देने वाले हैं, वो जो है 1 अप्रैल से यहाँ पे लगने वाला है, जिसके ऊपर हमने जो है पहले बार एक वीडियो दिया था। एंड उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो आज की वीडियो में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे अभी जो है एक हाइप बना हुआ है और 1-2 दिन से यहाँ पे एक न्यूज यहाँ पे कल से जो है यहाँ पे वायरल हो रहा है जो क्रिप्टो के ऊपर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ऑल्दो आप लोग ने यहाँ पे जो है उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जो है वीडियो यूट्यूब के ऊपर इस टैक्स को लेके यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। एंड कुछ सोल्यूशन के बारे में जो है आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए अगर आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है टाइम टू टाइम जो है मैं अपडेट इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। एंड कोई NFT गेमिंग की प्रोजेक्ट हो या तो कोई अच्छा जैम कॉइन हो जिसमें आप लोग को ऑल दो मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में आप लोग को प्रॉफिट हो सकता है, कोई न्यूज वाले कॉइन हो, तो उसके ऊपर जो है अपडेट मेरे चैनल के ऊपर मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे लेके आता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एंड बेल के आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पर लेके आऊँ तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स को लेकर जो है TDS एंड जो टैक्स है 30% वो जो है 1 अप्रैल से ये तो लगने वाला है, इसके ऊपर जो है कन्फर्म आप लोग को यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट मुद्दे की बात करें तो कल जो है वो न्यूज आया है जो यहाँ पे लोकसभा के अंदर यहाँ पे जो है सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए ऑल दो ये जो है पास नहीं हुआ है लेकिन इसके ऊपर जो है मीटिंग अभी जो है स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर एक फाइल किया गया है एंड उसके आंसर भी यहाँ पे आया है। क्या यहाँ पे जो है जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर भी यहाँ पे आया है, वो क्वेश्चन क्या है? तो पहला जो है यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग मशीन लगाते हैं एंड जो है इथेरियम हो या तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे माइनिंग करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं तो आप लोग जो भी माइनिंग करेंगे उसके ऊपर तो आप लोग को जो है 30% टैक्स ये जो आप लोग को देना है। तो उसको छोड़ के अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी मशीन जो बाय करते हैं जो क्रिप्टो माइनिंग की मशीनरी जो होता है उसके ऊपर जो है ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे लगता है, लगभग आप लोग यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपया जो है आप लोग को इन्वेस्टमेंट करता है, तब भी जाके एक माइनिंग मशीनरी जो है आप लोग लगा पाते हैं जो साल भर के अंदर आप लोग को हार्डली यहाँ पे जो है 5 से 6 लाख रुपीज जो है यहाँ पे अर्निंग होता है जो माइनिंग मशीन यहाँ पे देता है। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे पहला सवाल था जिसके ऊपर यहाँ पे मतलब पूछा गया था क्या आप लोग जो है टैक्स तो आप लोग क्रिप्टो जो माइनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर तो आप लोग को देना है, क्या आप लोग जो मशीनरी जो यूज करते हैं क्या टैक्स के अंदर इसको शो करके यहाँ पे कुछ रिड्यूस कर सकते हैं? तो उसके ऊपर यहाँ पे जवाब आया कि आप लोग जो है इसको भी नहीं कर सकते। मतलब आपने मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की जो है ETH यहाँ पे माइनिंग किया है, आपने जो माइनिंग मशीन लगाया है एंड उस मशीन के अंदर से जो 5 लाख रुपीज आपने अर्निंग किया है उसके ऊपर 30% टैक्स आप लोग को देना है। एंड जो मशीनरी आपके ऊपर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की करके ऐसे तो नहीं है कहीं फ्री में आप लोग ने पेड़ लगाया है उसको जाके मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी आता है एंड मैन पावर भी रखते हैं आप लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसके ऊपर जो क्लैरिटी आया है कि आप लोग जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जो आप लोग की जो माइनिंग हो रहा है या तो आप लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप लोग कोई रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके ऊपर यहाँ पे जवाब मिला है। मतलब आप लोग अगर क्रिप्टो माइनिंग करते हैं तो आप लोग के लिए टोटली यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो इसके लिए तो देखिए ये जो मुद्दा है इसके ऊपर मतलब बात चली है एंड ये जो है फाइनल अभी नहीं हुआ है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी ऐसा चीज है एंड ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए जो है बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा एंड जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर अभी काम कर रहा है। तो ऑल दो आप लोग अगर देखे होंगे तो 2017 को भी ऐसे RBI बयान के ऊपर न्यूज आया था, उसके लिए जो है यहाँ पे 2 साल लग गया था कोर्ट के अंदर यहाँ पे जो है पिटिशन फाइल हुआ वो सब जो चला है। अगर आप लोग ओल्ड क्रिप्टो यूजर है तो आप लोग को यहाँ पे मालूम होगा, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है बहुत पैसा जो है यहाँ पे लॉस किया। उस टाइम इतना हवा चला कि वहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे उस टाइम तो जैपे था एंड जो बजीरेक्स एक्सचेंज है वो उस टाइम में नहीं था, जो जहाँ पे जैपे था उसने तो लोगों को बहुत चुना लगाया, बहुत जो लोग जानते होंगे तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो ऐसे होता है। तो ये जो न्यूज है आप लोग इसको सुन के यहाँ पे पैनिक नहीं होना है एंड आप लोग को जो है पेशेंस रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो न्यूज क्या है कि आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, तो देखिए तीनों न्यूज के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जो ट्रेडिंग करते हैं तो उस जो ट्रेडिंग की जो
मान लीजिए आपने BTC ट्रेड किया, तो BTC की ट्रेडिंग में आप लोगों ने जो ट्रेड किया उसके ऊपर मान लीजिए आपने 1,000 रुपया अर्निंग किया। मान लीजिए 10,000 रुपया आपने लगाए, 1,000 रुपीज जो है आप लोगों ने यहाँ पे अर्निंग किया। तो उसके बाद में अगर मान लीजिए बिटकॉइन से जो अर्निंग किया आपने 1,000 रुपया, एंड जो 10,000 रुपया आपने कमाया है उसको मान लीजिए दूसरे किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया एंड वहां पे लॉस हो गया, तो आप लोग को जो है यहाँ पे लॉस को जो है शोर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन था, क्या आप लोग जो है बिटकॉइन में मान लीजिए किसी क्रिप्टो में आपने प्रॉफिट किया और दूसरे क्रिप्टो में आपने जो है उससे ज्यादा जो है लॉस कर दिया, तो क्या उसको भी आप लोग शो कर सकते? तो उसके ऊपर जवाब आया कि आप लोग इसको नहीं कर सकते। मतलब आप लोग अगर उसके अंदर मान लीजिए जो प्रॉफिट किए है वो तो आप लोग को टैक्स देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने बैंक की सहायता से यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो 10,000 रुपया डाला है या 1,00,000 रुपया डाला है, जो भी डाला है, जब आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करेंगे वहां पे कुछ भी प्रॉफिट अगर आप लोग करते हैं तो उसके ऊपर आप लोग को टैक्स देना है। अगर लॉस हो जाता है तो वो आपके हाथ से जाएगा, लेकिन आप लोग प्रॉफिट अगर करेंगे यहाँ पे जो है टैक्स जो है आप लोग को 30% एंड 1% जो है TDS इसको आप लोग को देना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे ऑल दो यहाँ पे 30% टैक्स एंड जो 1% TDS है वो पहले से ही यहाँ पे जो है बहुत यहाँ पे प्रेशर देने वाला है अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इसके लिए आप लोग जो है यहाँ पे बहुत कम टाइम यहाँ पे रह गया है। आप लोग यहाँ पे अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं अगर आप लोग आज ये आवाज नहीं उठाएंगे तो 1 अप्रैल के बाद में जो लग जाएगा वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहे, या तो हो सकता है आप लोग यहाँ पे टैक्स दे के यहाँ पे इतना परेशान हो जाओगे तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट को आप लोग छोड़ दोगे। एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग यहाँ पे मिस कर दोगे। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर में जाइए एंड रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स जो है इसको हैशटैग में आप लोग सर्च कीजिए एंड यहाँ पे रिट्वीट कीजिए, एंड ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके ऊपर थोड़ा जाइए यहाँ पे कमेंट कीजिए एंड रिट्वीट कीजिए, एंड अपना जो ओपिनियन है वो आप लोग यहाँ पे जरूर शेयर कीजिए, एंड आप लोग जो है अपना फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिए, एंड इसको जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है हाइप बनाइए ताकि जो है क्रिप्टो के ऊपर जो है थोड़ा बहुत रिड्यूस यहाँ पे मिल सके एंड टैक्स के ऊपर भी यहाँ पे रिड्यूस मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट दिखा सकते हैं। ऑल्दो आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तभी जाके जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे टैक्स के ऊपर जो है डेक्स के ऊपर यहाँ पे रिमूव कर देंगे जहाँ पे ये जो है डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जहाँ पे आप लोग को कोई कमेंट यहाँ पे जो है फॉलो नहीं कर सकता है, या ऐसे कुछ आप लोग ऐसे सोचते हैं, या तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे मूव हो जाएंगे। तो बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास में यहाँ से यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पास में उससे भी ज्यादा तरीका होता है जहाँ पे आप लोग जो है आप लोग को रोकने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो है इसके ऊपर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की सोचिए मत, और आप लोग अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की जो भी रूल्स आता है उसको जरूर यहाँ पे फॉलो कीजिए। ऑल दो इसके ऊपर जो है बहुत सारे जो नेक्स्ट मूव जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे 2017 में जब RBI बयान लगाया था उस टाइम पी टू पी जो है यहाँ पे चलने लगा था, जिसकी वजह से जो है सारे जो RBI यहाँ पे बयान कर दिया, लेकिन पी टू पी में लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग भी किया है। तो इसका जो है सोल्यूशन तो बहुत मिलेगा, लेकिन वो आप लोग को अभी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एंड पहले जो है यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद में क्या कुछ गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम लोग यहाँ पे बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और इंडियन एक्सचेंज जो है यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट जो है हमारी फंड के ऊपर से यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन ये एक जो है जब RBI बयान लगा था तो उस टाइम पे जो है बहुत सारे एक्सचेंज ने यहाँ पे जो है उठे थे एंड जो है कोर्ट के अंदर जो है यहाँ पे केस चला था, जहाँ पे एक्सचेंज भी बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पे दिखाए थे। लेकिन अभी के टाइम पे ये जो 30% टैक्स एंड ये सब के ऊपर जो अभी जो मुद्दा उठ रहा है एंड यहाँ पे जो लगने वाला है 1 अप्रैल के बाद में, जो सारा एक्सचेंज है वो अभी यहाँ पे जो है कोई भी आवाज यहाँ पे नहीं उठा रहे। और जो अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक्सचेंज की जो को फाउंडर है तो उन्होंने जो है ऑल दो इस टैक्स के ऊपर जो है इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है टैक्स लगना चाहिए, वो सब जो है उन्होंने बताया है। तो ये तो होता है, जो अगर आप लोग यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे तो आप लोग को जो है यहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर तो आप लोग जानते होंगे उसके ऊपर ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग अगर देखते हैं इस क्रिप्टो मार्केट को या तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकलता है तो उसके ऊपर जो है बहुत मतलब लेट यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन होता है इंडिया के अंदर।
ऑल दो अगर फॉरेन में आप लोग कंट्री में देखेंगे वहां पे लीगलिटी की बात हो रहा है, लेकिन हमारा जो इंडिया के अंदर यहाँ पे इसको मतलब इलीगल तो नहीं, यहाँ तो बैन भी नहीं कर रहे, तो लेकिन बैन जैसा ही यहाँ पे जो है हो रहा है। तो बैन मतलब क्या है, यहाँ पे अगर बैन कर देते तो, लेकिन इसको जो है गैम्बलिंग की तरह यहाँ पे देखा गया है क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके ऊपर जो है ये वो सारा रूल्स यहाँ पे ला रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी सर्च नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट आया एंड यहाँ पे गैम्बल के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी को लाया गया है, एंड टैक्स जो है टीडीएस है वो सारा जो है गैम्बलिंग के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स आखिर में मेरा जो ओपिनियन है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो को 2-3 साल के लिए होल्ड रखना चाहते हैं या तो रख सकते हैं, आपके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब पेशेंस है कि आप लोग यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर आप लोग इस 1 लाख रुपया को यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, तो आप लोग को जो है आने वाला 2-3 साल के अंदर जो है क्रिप्टो के अंदर रिड्यूस जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, टैक्स के ऊपर हो या तो टीडीएस के ऊपर हो, ये तो जरूर होगा, क्योंकि ये जो है पहला स्टेज है। गवर्नमेंट अभी जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन को जो है पूरी तरह से समझा नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गैम्बल के अंदर इसको जो है लाया गया है। तो धीरे धीरे जैसे सारे जो कंट्री के अंदर यहाँ पे अडॉप्शन ला रहे हैं एंड जो इसको इसके ऊपर लीगैलिटी ला रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है सारा कंट्री यहाँ पे जो है लीगैलिटी लाएंगे, तो इंडिया को यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इंडिया को जो ऑल दो है यहाँ पे लास्ट में दिखता है कोई भी अपॉर्चुनिटी होता है। तो अभी की जो सरकार है उसको जो है अभी आप लोग कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट बयान यहाँ पे लगा देते। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर इससे भी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड जो गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे नहीं चाहेगा गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो जो लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में है अगर यहाँ पे लीगल एक बार में ही इसको बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो है शेयर मार्केट में जितना भी शेयर है वो वहाँ पे गिर जाएगा एंड सारे जो लोग है यहाँ पे क्रिप्टो में मूव कर लेंगे। क्योंकि क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े जो प्लेयर है वो सारे जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में है, और शेयर मार्केट में ऑल दो यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होता है। जो आप लोग यहाँ पे अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे मालूम होगा, अगर शेयर मार्केट में अगर 1% की प्रॉफिट लेने के लिए आप लोग को 2 से 4 दिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्रिप्टो में वो ही जो है 100% प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1 दिन में भी किसी किसी कॉइन के अंदर यहाँ पे पंप हो जाता है। तो इसमें रिस्क ही तो बहुत ही ज्यादा है एंड प्रॉफिट भी उससे भी ज्यादा यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो सब में आप लोग को प्रॉफिट होता है, इसके लिए जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके जो है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा। तो नेक्स्ट बात आता है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी दिन के लिए यहाँ पे होल्ड करते तो टैक्स के ऊपर जरूर यहाँ पे रिड्यूस होगा, जैसे जैसे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट होगा और ये ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत सरकार को पता चलेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर टीम ऑलरेडी बनाया हुआ है एंड जो सारे कंट्री यहाँ पे करेंगे तो उससे जो है गवर्नमेंट को भी यहाँ पे आइडिया मिलेगा। तो अभी जो है यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, अभी गैम्बलिंग के ऊपर इसको डाला गया है, तो मेरे हिसाब से ये भी सही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं है वो क्रिप्टो करेंसी में लेके डाल रहा है तो वो जो है गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है नुकसान जो है ज्यादा होने की चांसेस है। कोई भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं जो पहला ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे जो है आप लोग को प्रॉफिट नहीं होता है। ऑल दो मेरा एक दूसरी जो है प्रॉब्लम है जो जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जितना भी इंडिया के अंदर MLM कंपनी है एंड जो है जो नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी है वो जो सारे जो है वो क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए वो उस क्रिप्टो करेंसी को ना किसी एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे लिस्ट कर पा रहे ना, या तो इस जो करेंसी है वो जो निकल रहा है वो मतलब यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर, आप लोग बाइनेंस चेन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है ऑल दो आप लोग भी चाहेंगे तो यहाँ पे जो है जीरो इन्वेस्टमेंट में आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत काम जो है इंडिया के अंदर होता है, और इंडिया के अंदर आप लोग जानते हैं जुगाड़ करने में तो बहुत माहिर इंडियन लोग यहाँ पे होते हैं। तो वो एक कंसर्न है जहाँ पे मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट ने जो भी किया है वो सोच समझ के यहाँ पे किया है, ताकि इसको जो है गैम्बलिंग के अंदर इसलिए डाला गया है ताकि जो है कुछ दिन यहाँ पे लगेगा और जो यहाँ पे जो कचरा होगा वो सारा जो है यहाँ पे साफ हो जाएगा, उसके बाद में इसके ऊपर एक क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आएगी 1 से 2 साल के अंदर, जो मेरे को यहाँ पे मेरा ओपिनियन है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए तो आप लोग इसको होल्ड कीजिए, और क्या कुछ न्यूज होता है उसके ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत जो है स्टैंड कीजिए, एंड अपना ट्रस्ट वॉलेट है एंड मेटामास है बहुत सारे जो है, और आप लोग चाहे तो डेक्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है सपोर्ट यहाँ पे अभी के टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगा तो वो मतलब चाहे तो यहाँ पे इंटरनेट भी बंद हो सकता है,
और उसकी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहेगा बंद कर देगा, और उसका भी कोई सलूशन नहीं है जो हम लोग यहाँ पे चला नहीं सकते, वो उसका भी सलूशन है और बहुत सारे चीजों की यहाँ पे सलूशन भी निकल के आता है। तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग मेरे हिसाब से अगर कुछ दिन के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते तो आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आने वाले दिनों में जरूर इसके ऊपर जो है रिड्यूस मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट है, अगर आप लोग 1 अप्रैल के बाद में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो है टैक्स एंड डिलेस जो है वो जो है यहाँ पे लगने वाला है, ये तो कंफर्म आपके लिए है। तो ये था मेरा ओपिनियन, और आप लोग को क्या कुछ लगता है जरूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम लोग जो है कम्युनिटी को पता चले ताकि हम लोग समझ सके कि जो मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ क्या आप लोग को ये टच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे। तो चलिए, ये था आज की वीडियो, इसमें हम लोगों ने सारे मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बात किया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्म देने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा मोटिवेट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है एंड एडिटिंग करना पड़ता है जो सब आप लोग यहाँ पे जानते हैं। कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे 5 से 6 घंटा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी ग्रो होगा एंड आप लोग को यहाँ पे ऐसे ही अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए।